माया का क्या रहस्य है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा? क्या यह अंगूठी मुझे कोई संकेत देना चाहती है? अंततः मेरा यहां होने का क्या अर्थ है? हनुमान, हमारा जीवन इन मुद्रिकाओं की भांति ही तो है। दूर से देखने में यह अत्यंत सुंदर है और अमूल्य लगते हैं, किंतु वास्तविकता में इसका कोई मूल्य नहीं है। हम सदैव जीवन के पीछे भागते रहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, किंतु कभी भी जीवन हमारे हाथ नहीं आता। और एक दिन ऐसा समय आता है जब हम अपनी जीवन निधि इस संसार में छोड़कर सदैव के लिए इस संसार से प्रस्थान कर जाते हैं। इतनी बड़ी बात प्रभु श्री राम मुझसे कहना चाहते थे, किंतु मैं उनकी बातों को समझ ही नहीं सका। विप्र, धेनु, सुर और संत की रक्षा और हित के लिए आपने पृथ्वी लोक पर मनुष्य का अवतार धारण किया था। अब उस नर लीला का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। समस्त सृष्टि में अत्याचारी असुरों का अंत हो चुका है। धरती पर पूर्ण रूप से धर्म की पुनर्स्थापना हो चुकी है। चारों ओर सुख और शांति का वातावरण है। इसलिए समस्त देवताओं की इच्छा है कि आप अपने मनुष्य शरीर का परित्याग कर अपने वास्तविक धाम की ओर प्रस्थान करें। काल, यदि नियति के विधान के अनुसार पृथ्वी लोक पर मेरा समय समाप्त हो चुका है तो आप अपना कार्य पूर्ण करें। नहीं प्रभु, आपकी अनुमति के बिना काल भी आपके आगे विवश है। आपको मेरी अनुमति है नियति के विधान को पूर्ण करें। आप धन्य है प्रभु। धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव की आसक्ति संसार से स्वाभाविक रूप से हो जाती है। इस धरती के प्रति उसके मन में मोह उत्पन्न हो जाता है प्रभु, किंतु आप तो सरोवर के उस कमल के समान है जो सरोवर में रहकर भी सरोवर के जल से निरपेक्ष रहता है। अपने कमल पत्रों पर सरोवर के जल की एक बूंद भी नहीं ठहरने देता है। एक और विनती है प्रभु, आपके इस गोलोक से प्रस्थान से पूर्व भी आपके भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी संसार से प्रस्थान करना होगा। उन्हें आपसे पूर्व भी इस संसार का परित्याग करना होगा। प्रणाम ऋषिवर।
अयोध्या के राजभवन में आपका स्वागत है। श्री राम कहाँ हैं? मेरे स्वागत हेतु बनिया उपस्थित होना चाहिए था। क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, किंतु राम भैया अपने कक्ष में किसी अन्य ऋषिगण से वार्ता कर रहे हैं। उनके कक्ष से बाहर आते ही मैं राम भैया को आपके आगमन की सूचना दूंगा। तब तक आप हमारे राजभवन में विश्राम करें ऋषिवर। मैं यहाँ विश्राम या प्रतीक्षा करने नहीं आया हूँ। मुझे श्रीराम से तत्काल ही मिलना होगा। यदि वो नहीं आ सकते तो मैं उनके कक्ष में जाकर ही मिल लेता हूँ। यदि ऋषि दुर्वासा भैया के कक्ष में प्रवेश कर गए तो भैया को वचन अनुसार ऋषि दुर्वासा का अंत करना होगा। नहीं नहीं, भैया के हाथों ऐसा पाप नहीं हो सकता।